केवल आप जिससे कि समझ सको कि रूट थ्री, रूट थ्री अलग ले लिया हमने, ये 28.5 सॉल्व कर लीजिए, लेस करेंगे तो कितनी वैल्यू हो गया आपके पास, जीएफ की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, जीएफ की वैल्यू ठीक है, तो जीएफ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, रूट थ्री ठीक है इनटू में, इसमें से इसमें लेस कीजिए तो जीरो बचा और थ्री में से नाइन प्लस थ्री नाइन, तो 19 बचा मेरे, कितना बचा स्टूडेंट 19, तो आंसर आया आपका 19√3 मीटर। किसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर, जीएफ की वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो व्यक्ति था, वो जो बॉय था, कोई भी हो सकता है, वो बॉय बोल सकता है, वो गर्ल बोल सकता है, वो किसी पर्सन को बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है ठीक है, तो यहाँ से वो यहाँ तक कितना चला था ये आपको फाइंड आउट करना था, तो इसका मतलब उसने यहाँ से लेकर के यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर की थी स्टूडेंट 19√3 मीटर। ओके स्टूडेंट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, क्वेश्चन अच्छा है वो भी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, हमें तो ग्राउंड नहीं पता पहले तो कहाँ है, तो ग्राउंड ने मान लिया यहाँ ग्राउंड है ठीक है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट से ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड है ठीक है, तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से आगे क्या कह रहे हैं ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर, बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, कितनी 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसको हमें 20 मीटर हाई बिल्डिंग ये दे रही है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, कितनी आपके पास 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये क्या आपके पास स्टूडेंट बिल्डिंग है ठीक है, बिल्डिंग दे रखी है आपके पास इतनी ठीक है, बिल्डिंग के लिए आपके पास हाइट कितनी दे रखी है स्टूडेंट 20 मीटर, कितनी है 20 मीटर। ओके फाइन, आगे क्या कह रहा है वो यहां पे, एंड एक टावर उसके ऊपर लगा है, टावर लगा है ठीक है, हमें नहीं पता ये टावर बना दीजिए, ये टावर बन गया ठीक है, ये टावर बन गया ठीक, चलो जी टावर बन गया है, एंड टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग एट 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टली, इसका मतलब क्या, उसने पहले बोल दिया कि उसके बॉटम से, यानी कि ये टावर है, ये क्या आपका यहाँ पर टावर है ठीक है, टावर के बॉटम, बॉटम तो यही होगा, बॉटम पे कितना बनाएंगे 45 डिग्री बनाए, कितना बनाए स्टूडेंट 45 डिग्री बनाए, एंड ऊपर 60 डिग्री बना, कितना बना है स्टूडेंट 60 डिग्री, कितना बना है यहाँ पर इसके टॉप पर, कितना बना है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री बना है, कितना बना है स्टूडेंट 60 डिग्री बना है ठीक, पूछा क्या गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर की हाइट पूछी गई है, ये फाइंड आउट करिए, ये 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 हाइट पूछी गई, तो जब ये हाइट पूछी है तो इसको हाइट को एच मान लें, नो प्रॉब्लम मान सकते हैं ठीक है, नेमिंग दे दीजिए अपनी मर्जी से कुछ भी, ए बी सी डी, ओके स्टूडेंट कोई भी हमने नहीं दे दिए यहाँ पर, ए बी सी डी ठीक, तो जो आपके यहाँ पे ए बी सी डी आपके पास नेम दे दिए, हमें कुछ नहीं पता है, हमें केवल हमें ये निकालना है ठीक है, ना हमें ये पता है, ना हमें ये पता है, कुछ नहीं मालूम, ना ही हमें ये मालूम है केवल हमें ये गिवन है ठीक है, तो जब ये गिवन है तो इसी की हेल्प से पहले ये निकाल लेते हैं, ओके स्टूडेंट क्या निकाल लेते हैं, ये ए बी निकाल लेते हैं, अब ये देखो परपेंडिकुलर और बेस किसमें गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस देखो जरा यहाँ पे लिखा है, परपेंडिकुलर और बेस किसमें आपके असाइन में ठीक है, तो पहले मान लीजिए लेट द हाइट, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, फाइन कितने मान लीजिए एच मीटर मान लीजिए, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, जिसमें ए बी सी में स्टूडेंट, जब ए बी सी में बात करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी आपके पास ए बी सी में, 10 45 डिग्री इक्वल टू कितना है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन कितना है आपके पास स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास यहाँ पर बी सी है ठीक, और बेस कितना आपके पास ए बी है, ओके स्टूडेंट, तो 45 की वैल्यू 1 होती है, बी सी की वैल्यू हमारे पास 20 दे रखी है, और ए बी की वैल्यू हमारे पास है नहीं अननोन है, तो ए बी की इसके नीचे मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट 20 मीटर, कितनी है ए बी की वैल्यू 20 मीटर, ओके फाइन, इसलिए हम बात करते हैं ये वाला भी जिसमें इंक्लूड हो जाए ए बी डी में ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, जब हम ए बी डी में बात करेंगे तो सेम कंडीशन, एंगल आपका होगा 60 डिग्री और हाइट आपके पास एंगल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये होगी, बेस हमारे पास ये होगी ठीक है स्टूडेंट, तो देखो जरा
यहां पर आएगा tan 60 डिग्री, कितना आएगा tan 60 डिग्री, तो वही परपेंडिकुलर कोण में बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास BD, ठीक है, और अपोन में बेस कितना होगा आपके पास AD स्क्वायर। ओके तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, 3 होती है ना। ओके रूट 3 इसकी वैल्यू होती है, BD की वैल्यू आपके पास रिप्रेजेंट कितनी होती है स्टूडेंट, BD कितनी वैल्यू है 20 प्लस h या h प्लस 20, तो 20 प्लस h BD है, कितनी है आपके पास BD, BD ये है, तो BD में साइन में लिख देता हूं, देख जरा BD, BD कितनी आपके पास है यहां पर, ये है BC प्लस CE। ओके स्टूडेंट ये आपके पास है, तो BC की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 20 और CD की वैल्यू कितनी होगी h, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए अपॉन AB की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आपके पास यहां पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आया 20√3 इक्वल टू 20 प्लस h। ओके स्टूडेंट इसको उठा करके आप इधर ले जाइए तो ये आया 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h। ओके स्टूडेंट ठीक है, यहां से कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, 20 कॉमन है तो यहां पे बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू कितना है स्टूडेंट h, इट मींस हाइट कितनी है आपके पास 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये आपके पास हाइट आ जाती है। ठीक है वही सेम कंडीशन, अगर आपको रूट थ्री की वैल्यू दे रखी है 1.732 या जो भी 1.7 दे देते हैं, कभी कभी 1.762 दे देते हैं, ठीक है तो वैल्यू रिप्लेस कीजिए अदरवाइज नो नहीं। ओके स्टूडेंट फाइनल ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ठीक है, इसी पर बेस बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 8, इसी पर बेस सेम है क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू ऑल है क्वेश्चन नंबर, ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, वो आप सब के लिए, वो आप सब सॉल्व करेंगे ठीक है, और इसका आंसर भी आप सब मुझे बताएंगे ठीक है स्टूडेंट, कोशिश करें कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा भी देखें, ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी आपके बोर्ड के एग्जाम में जो स्टूडेंट हैं जो बैठने वाले हैं ठीक है उन सबको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ठीक है, मैं बाकी की जो जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं उनको मैं फिर दोबारा से एक बार वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है, लाइक करें शेयर करें जिससे कि मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगे या फिर मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप सबके लिए बनाऊं और बेटर बनाऊं ठीक है। ओके थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एंड बाय बाय।